फतेहाबाद के भुवान गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के ही दो समुदायों के बीच तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि भुवान गांव में एक शख्स ने गांव में मुसाफिर खाना बनाने के लिए कुछ जमीन दान में दी थी, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग इस जगह पर मस्जिद बनाना चाहते थे, जिसे लेकर दोनों समुदायों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। परसों रात पे जी 11 बंदे आए थे मुसलमान, जो ऑटो लेके आए थे, और मेरे भाई और भाभी सुते थे नीचे घर हमारे मस्जिद से, और ऊपर से ताकने झाकने लगे और हमने उसको दबकाया भी, और सुबह उठते ही वे भाग गए। उन गैर जमदाना को हरकत ऐसी की है तो वो 1 तारीख को जमातियाँ आई थी, 1 तारीख को इन 2 तारीख को हमें बताना चाहिए था भी ये बात होगी, इनने हमें कोई जिक्र नहीं कराया। 4 तारीख को उनको पंचायत करी, उसमें हमने कहा भी अगर उन्होंने ऐसा काम कर दिया उसके हम माफ़ी मांगते हैं, आइंदा ऐसा काम नहीं होगा। अगले दिन हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन्हें गेट में घुसने नहीं दिए, मस्जिद में नहीं घुसने दिए। वहीं हिंदू समाज के लोगों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि मुसाफिर खाने के लिए दान दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण कैसे हो सकता है, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहासुनी चली और मामला भड़क गया। मामले की सूचना मिलते ही SDM और DSP अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझा कर मामले को शांत करवाया गया। उन्होंने कहा कि ना तो अब इस जमीन पर मुसाफिर खाना बनेगा और ना ही मस्जिद।